कई साल हुए मैं एक शादी में शरीक हुआ। शादी एक सियासतदान और सरमायादार की बेटी की थी और उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी, एक बहुत बड़ी जायदाद की इकलौती वारिस। किसी अमीर ख़ानदान में रिश्ता हो गया, हम शादी में पहुँचे, बारात के पहुँचने का वक्त हो गया था। एक वसीओ अरीज पंडाल सजा हुआ था, खाने और बैठने के साथ एक तीसरा भी बहुत बड़ा पंडाल था जिसमें जहेज का सामान आराइश और ज़ेबाइश के साथ नुमाइश के लिए रखा गया था। खैर, बारात आ गई। लड़की का वालिद बारात को लेकर सीधा जहेज़ वाले पंडाल में चला गया और लड़के वालों से कहने लगा कि आप लोग सामान देख लें कि कोई चीज़ कम तो नहीं है जो आपकी तरफ से मुतालबा की गई हो और यहाँ पर मौजूद ना हो। हर चीज़ के साथ एक पर्ची लगी हुई थी कि लड़के की फूफी की मांग, खाला की मांग, फलां की मांग, फलां की मांग। बारात ने जब सारा जहेज़ देख लिया तो लड़की का वालिद बारात को लेकर सीधा खाने के पंडाल में चला गया और खाना खुलवा दिया। लड़के वाले कहते रहे कि पहले निकाह पढ़ लेते हैं फिर खाना खाएंगे। लड़की का वालिद उनको टालता रहा और खाना शुरू करवा दिया। बारात और लड़की वालों की तरफ से हज़ारों अफराद उस शादी में शरीक थे, कोई छोटी शादी नहीं थी। खैर, खाना खा लिया गया। फारिग होकर लड़के वालों ने फिर कहा कि निकाह खां को बुलवाएं। लड़की का वालिद बार बार पूछता रहा कि जहेज़ तो पूरा है ना, आप ऐसा करें जहेज़ को लादना शुरू करवाएं। अब लड़के वालों को भी कुछ गड़बड़ महसूस होना शुरू हो गई और उनका निकाह करवाने का इसरार बढ़ता गया। लड़की के वालिद ने लड़के वालों से कहा कि खाना आप लोगों ने खा लिया है, जहेज़ आपकी तलब के ऐन मुताबिक पूरा है, वो आप उठाएं और चले जाएं। लड़की की आपको ज़रूरत नहीं है सो वो आपके साथ नहीं भेजी जाएगी। और ऐसा ही हुआ। लड़की के वालिद ने कई घंटों के बहस मुबासे के बाद भी लड़की नहीं भेजी और बारात बगैर लड़की के ही वापस चली गई। लड़की के वालिद ने वहीं मौजूद अपने भाई के बेटे को बुलाया जो कि माली लिहाज से भी कमज़ोर थे। निकाह ख्वां को बुलाया और बेटी का निकाह भतीजे से करवा कर लड़की उसके साथ रुखसत कर दी। निकाह सुन्नत मुहम्मदी है और आज हम लोगों ने इसको पता नहीं क्या बना दिया है कि जहेज़ के चक्कर में कितनी ही बेटियां अपनी शादियों के इंतज़ार में बैठी रहती हैं। एक अजीम बाप की तरफ से एक अजीम कदम, उन जहेज़ मांगने वालों के मुंह पर एक ऐसा थप्पड़ जिसकी गूंज पूरे मुआशरे में सुनाई देनी चाहिए। अगर एक सरमायादार बाप इस तरह का कलमंदाना फ़ैसला ले सकता है तो हम और आप क्यों नहीं। आइए हम मिलकर इस जहेज़ की लानत को इस दुनिया से ख़त्म करें, अपने मुआशरे से ख़त्म करें, ताकि हमारी बहन और बेटियां जहेज़ के इकट्ठा करने में अपने बालों में उतरती चांदी को देखकर परेशान ना हो। हमारे बाप और भाई बेटियों को ब्याहने के साल हा साल बाद भी उनके जहेज़ के कर्ज ना उतारते फिरें। एक खुश आइंद कदम, मिलकर कदम बढ़ाइए और अपने मुआशरे को जहेज़ की लानत से पाक कीजिए।